अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं और धूप अभी भी अच्छी खासी है। हालांकि 3-4 दिन यहाँ पे खूब ठंडी हवाएं चली हैं, लोगों ने जर्सियाँ जैकेटें जो वापस रख दी थी वापस निकाल ली थी, लेकिन आज फिर से ठीक ठाक धूप है आप देख सकते हैं। और उस तरफ से मेरा चेहरा आपको डार्क नज़र आ रहा था इसलिए मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ क्योंकि सूरज पीछे की तरफ है। तो मैं जा रहा हूँ ये सतवा मार्केट की तरफ, मैंने वहाँ पर कुछ शॉपिंग करनी है और आपको अपना ये एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो नाज़िर मैं इस वक्त हूँ सतवा के अंदर जहाँ पे कि मैं रहता हूँ और सामने इस तरफ सतवा की मेन मार्केट, हालांकि ये भी सारी मार्केट ही है लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है वो आपको दिखाता हूँ आगे जाके, मैं वो मार्केट आगे आएगी। पाकिस्तान में भी ज़्यादातर शॉपिंग मैं अपनी खुद ही करता हूँ मास्वाए चंदे की चीज़ों के, तो आज भी मैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आया था। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में मैंने आपको अपनी ख़रीदारी की बहुत सारी वीडियोस दिखाई हुई हैं तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ दुबई में रहते हुए सतवा में रहते हुए छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें उनकी ख़रीदारी मैं कैसे करता हूँ। और इसके साथ ही आप ये एरिया भी देख लेंगे जहाँ पर मैं रहता हूँ, साथ में जितना भी आस पास का एरिया बड़ी खूबसूरत जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। अच्छा जी, तो ये है सामने अलमाया सुपरमार्केट। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देखते हैं, अगर हमारी तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से मिलेंगी तो सिर्फ यहीं पे ख़रीदारी करेंगे, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें ना मिली तो फिर किसी और जगह पे जाएंगे। जनाब सबसे पहली चीज़ मुझे जो चाहिए वो है एक स्पंज, ये कमर पे मारने वाला जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाथिंग स्वीट, ठीक हो गया। एक ये है और एक ये जरा मैं उतार लूँ। चलिए ये पहली चीज़ तो मैंने पिक कर ली है, देखो मैं अपने लिए कोई वो कार्ट वगैरह बोल के हूँ लेना वो ज़रा ले लें। ये टोकरी ले ली है जो मैंने, देखते हैं अभी क्या क्या इसके अंदर डालने का मौका मिलता है। भाई साहब ये सामने है जी बुटेन गैस, आप देख सकते हैं 7 दरम इसकी कीमत लिखी हुई है, 28 दरम, जबकि मुझे ये 16 दरम में 4 पीसेस के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब ये तो बहुत ही महंगी है, यहाँ पर तो बहुत ही महंगी है ये। चलो ये कहीं और से ख़रीद लेंगे, जो यहाँ से मिल गया ठीक है, बाकी जो चीज़ें यहाँ पर अपने वारे की नहीं है किसी और जगह से ले लेंगे। ये पानी की मठी मठी फुहार, गर्मी का मौसम आ रहा है, सख्त ज़रूरत है इसकी। ये देखें साइकिलिंग के अलग से ट्रैक बना हुआ है, पैदल चलने वालों के अलग से है, गाड़ियों के लिए अलग से, हर चीज़ तरतीब के साथ।
देखें वाइट कलर की मस्जिद कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए जी इस बाथिंग सुइट की इस स्पंज की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जनाब मुझे पूरा यकीन है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर से मैंने निकाला, इसको ज़रा संभाल के रख देते हैं क्योंकि हवा चल रही है और ये साफ़ सुथरी जगह, यहाँ कचरा नहीं फैला सकते, बल्कि कचरा तो कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। तो अंदर से कुछ ऐसा है, कुछ जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा साइड हार्ड है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो ये इस तरह से है। और अगर सलमान देख रहा है तो सलमान के लिए, सलमान को याद आ गया कि वो सिगरेट बुझाओ पीठ पूंछो, सिगरेट बुझाओ पीठ पूंछो, सिगरेट बुझाओ पीठ पूंछो, तो ये बड़े काम की चीज़ है जी। बल्कि जब मैं और सलमान ताज गार्डन वज़ीराबाद में वो वीडियो शूट कर रहे थे, तो सलमान जो है, क्योंकि बार बार हमें वो करना पड़ा था सीन, बार बार रिटेक करना पड़ रहा था, अक्सर सिगरेट बुझाओ पीठ पूंछो की जगह सिगरेट बुझाओ सीट पूंछो भी किया जाता था वो। तो काफ़ी मज़ा आया हमें वीडियो शूट करने में, थक गए थे वो बच्चे थे दोनों, वो थक गए थे, काफ़ी टाइम लगा हमें, दो वीडियो शूट की थी उस दिन हमने, यादगार वीडियोज़ है, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार और यादगार वीडियो थी मेरे लिए तो कम अज़ कम है वो। दूसरा नाज़िर, मैं यहाँ पर आया हूँ जी एक वीडियो शूट करने के लिए, जो कि आप लोग यहाँ इस वीडियो से पहले देखेंगे या बाद में देखेंगे, और वो वीडियो जब चैनल पर आएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा उसमें मैंने क्या बातचीत की है। वो वीडियो भी यहाँ पर शूट करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से मैंने जाना है यहाँ पे एक और जगह पे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो लेने के बाद वापस बाज़ार जाएंगे और कुछ और चीज़ें ख़रीदने के बाद उसके बाद वापस हम सतवा जाएंगे। जनाब ये है अल रबी सुपर मार्केट, यहाँ से मुझे मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल गई हैं और शॉपिंग अपनी हो गई है मुकम्मल। चीज़ें वैसे कुछ रहती हैं लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत होती है साथ साथ खरीदते रहते हैं। नाज में वीडियो अपनी होगी थी कंप्लीट, वीडियो जो शूट करनी थी दूसरी शूट कर ली, वापस बाज़ार आया, जो चीज़ें ख़रीदनी थी वो ख़रीद ली हैं, अब वापस जा रहा हूँ अपने डेरे की तरफ, जिसे या तो वही मैं रूम कहते हैं।